से वीडियो बहुत ही खास है यार, जहां पे मेरे पास में एक बहुत ही स्पेशल पैकेट जो कि आता है OnePlus की तरफ से। और ये दोस्तों पैकेट जहां पे लिखा है सामने नेवर सेल, दोस्तों बात हो रही है अभी पीछे OnePlus 6T की। तो आज हम इस वीडियो दोस्तों इस वीडियो से बात करने वाला हूं, क्या है भैया स्पेशल पैकेट में, कैसा है ये फोन, क्या है बाकी कॉन्टेंट, दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, बात करते हैं कुछ OnePlus के फीचर्स के बारे में। इसके अलावा शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन की आगे चल के हम क्या करने वाले हैं OnePlus 6T को लेकर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है हमारे पास में OnePlus 6T का एक स्पेशल बॉक्स जिसमें हमें मिलेंगी काफी सारे एक्सेसरीज और साथ में फोन तो मिलेगा ही। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में है काफी सारे बॉक्सेस, जहां पे सबसे पहले है OnePlus 6T का मेन रिटेल बॉक्स। इसके अलावा एक बॉक्स में है यहाँ पे कुछ तीन अलग अलग केसेस सैंडस्टोन, नायलॉन और सिलिकॉन फिनिश में। और यहाँ पे है दोस्तों ब्रांड न्यू ये USB टाइप सी वाले बुलेट ईयरफोन्स। यहाँ पे इसके अलावा एक क्लीनिंग क्लॉथ है फोन की मुस्कान की चमकान बनाए रखने के लिए, और साथ में एक स्टैंड है फोन को थोड़ा आराम देने के लिए। दोस्तों यहां पे खैर हम बात करते हैं सबसे पहले मेन बॉक्स की, जिसके ऊपर है डेफिनेशन OnePlus कम्युनिटी की। और यहां पे इस बार जो पेपर है वो भी थोड़ा दिखने में हमको हैंडमेड स्टाइल का लगता है। और ऐसे में दोस्तों जो फोन की प्राइस है वो छुपी है इन 5 एक्सेस के नीचे, लेकिन जो इसकी US प्राइस है वो है $549। खैर इंडियन प्राइसिंग भी हमको कल तक मालूम चली जाएगी, मैं दोस्तों ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिलहाल आप गेस करो, देखते हैं किसका गेस सही होता है। दोस्तों यहां पे बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले है OnePlus 6T मिरर ब्लैक फिनिश में अपने इस नए डिजाइन में। इसे देते हैं कुछ देर का ब्रेक और यहां पे देखते हैं कि क्या है साथ में नीचे, जहां हमें मिलता है सिम इजेक्टर टूल, रीडिंग मटेरियल, एक इंफॉर्मेशन से भरा हुआ पोस्टर, कुछ इंटरेस्टिंग स्टिकर्स और एक केस। और दोस्तों इसके ठीक नीचे रखा है इनविटेशन लेटर जो कि आता है OnePlus CEO पीट की तरफ से, जो कि एक और अच्छा पर्सनल टच ऐड करता है। इसके ठीक नीचे है फेमस डैश चार्जर अपने 20 वॉट आउटपुट के साथ में, साथ दोस्तों है एक रेड कलर की USB टाइप सी केबल और एक डोंगल अपने हेडफोन्स लगाने के लिए एप्पल। यहां पर दोस्तों बात करते हैं फोन के फिजिकल ओवरव्यू की, और यहां पे सामने है 6.41 इंचेस का एक एमोलेड फुल एचडी प्लस डिस्प्ले 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में, जिसके ऊपर है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन। और यहां पर दोस्तों ऊपर की तरफ एक छोटी सी नॉच जहां पे है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, कुछ सेंसर्स और ईयरपीस। दोस्तों राइट साइड में है पावर लॉक अनलॉक बटन, अलर्ट स्लाइडर, ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट फीचर है, मतलब बस बटन दबाया फोन साइलेंट रिंगर, जो करना है भैया कर सकते हैं। ऊपर दोस्तों मिल जाता है आपको यहां पे माइक्रोफोन, लेफ्ट साइड में है वॉल्यूम रॉकर और ड्यूअल सिम ट्रे, और नीचे है यूएसबी टाइप सी पोर्ट, माइक और स्पीकर की ग्रिल। दोस्तों पीछे की तरफ है ड्यूअल कैमरा कॉम्बिनेशन जो कि आता है 16+20 मेगापिक्सल के साथ में, एपर्चर है f1.7, इसके ठीक नीचे है लिफ्ट फ्लैश और उसके ठीक नीचे है OnePlus का लोगो। यहां पर दोस्तों करते हैं फोन को सेट, और बात आती है सबसे पहले यहां पे सेट करते ही फेस अनलॉक की, इसको भी हम करते हैं सेट। और दोस्तों यहां पे इसके जो ठीक अगला कदम है वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को सेट करने का। और यहां पर दोस्तों आते हैं इसके बाद में कुछ स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स और स्क्रीन कैलिब्रेशन सेटिंग्स। तो ये फोन तो हो गया पूरा का पूरा सेट, और यहां पे हम जाके देखते हैं सेटिंग्स में, तो हमें मालूम ये चलता है कि ये जो ऑक्सीजन OS है ये बेस्ड है एंड्रॉइड 9 पाई पे, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर दोस्तों टोटल 128GB स्टोरेज में से हमको मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली 115GB की स्टोरेज फ्री, और लेआउट बिल्कुल क्लीन है स्टॉक एंड्रॉइड की तरह, तो ये दिखने में काफी अच्छा लगता है कि मतलब अगर आप इसको यूज करेंगे तो ज्यादा हेडेक नहीं है, बिल्कुल क्लीन बिना किसी एड के आप इस UI को एंजॉय कर पाएंगे। यहां पर दोस्तों बात करते हैं कैमरा की, तो कुछ ऐसा है कि यहां पे जो आपको मिलता है लेआउट उसके अंदर आपको नीचे बहुत सारे मोड्स मिलते हैं, और यहां पर दोस्तों जो मेन हाईलाइट है वो है नाइट मोड, जहां पे आप बिना ट्राइपॉड के काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं रात के समय। मतलब भैया फोन को सिर्फ हाथ में पकड़ना है और जो रोशनी है वो बढ़ती चली जाएगी। और यहां पर दोस्तों बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो यहां पर हम करते हैं अपना फेमस सेल्फी टेस्ट, जहां पर ये ली मैंने सेल्फी। और दोस्तों आप देखते हैं डिटेल्स को, तो भैया दाढ़ी का आप एक एक बाल देख सकते हैं, मतलब सेल्फी आई है बड़ी ही कमाल। और यहां पर मैं फिलहाल अभी कुछ और फोटो शेयर कर रहा हूं फ्रंट एंड रियर कैमरा से क्लिक की गई, जहां पे आप जज कर सकते हैं कैमरा क्वालिटी को। तो यहां पर दोस्तों अगर बात करते हैं इंटरनल्स की, तो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर, आपको दोस्तों मिल जाती है यहां पे रैम दो अलग अलग वेरिएंट्स में जो कि है 6GB या फिर 8GB, और आप स्टोरेज को एंजॉय कर पाएंगे 128 या फिर 256GB स्टोरेज ऑप्शंस के साथ में। और यहां पर दोस्तों पीछे की तरफ है बड़ी बैटरी जो कि है 3700mAh की, और यहां पर OnePlus कहता है कि हेडफोन जैक को निकालने का एक मेन रीजन यही था कि बैटरी कैपेसिटी को बढ़ाना था, तो भैया हेडफोन जैक लेता है अंदर फोन के जगह।
है। और यहां पर दोस्तों बात करते हैं फिलहाल इसके टेस्ट करने की, जो कि भैया है सिक्योरिटी का टेस्ट कि फेस अनलॉक कितना फास्ट है, क्या ये पुराने वन प्लस फोन की तरह ही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो भैया बिल्कुल करता है फोन को अनलॉक बटन दबाते ही, मतलब बस दबाया और एक झटके में दोस्तों आ जाते हैं आप सीधा फोन के अंदर यूआई में। और यहां पर दोस्तों बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है एकदम एक इंटरेस्टिंग एनिमेशन के साथ में। दोस्तों ये हो गई है सारी की सारी बातें कंप्लीट इसी वन प्लस 6T की। उम्मीद है अभी तक का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों देख लिया आपने अनबॉक्सिंग भैया कैसा मिलता है आपको यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट एक्सपीरियंस वन प्लस 6T का। और यहाँ पे दोस्तों फिलहाल इस वीडियो तो खैर हम यहीं पे रोकने वाले हैं, लेकिन अपने आने वाला एक बहुत ही शानदार सा सरप्राइज बहुत ही जल्दी मेरी और वन प्लस दोनों की तरफ से आपको दोस्तों बताऊंगा डिटेल्स बहुत जल्दी, शायद इसी हफ्ते के अंदर अंदर। फिलहाल दोस्तों दिखाओ अपना प्यार सारा इस वीडियो पे, जहां पे दोस्तों कर दो आप इसको लाइक, कर दो आप इसको शेयर, और यहाँ पे लिख दो अपने दिल की बात नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा जो कि बना है मेरे नए कैमरा सोनी A7 III से। बताना जरूर कि आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कुछ सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो अभी भी कर दो मेरे भाई, और यहां पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।